स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू योर फूड व्हेन इट गेट्स इनसाइड योर बॉडी। इसके मीनिंग है आपके खाने से क्या होता है जब वो आपके जिस्म के अंदर आ जाता है, तो क्या होता है, मतलब क्या क्या प्रोसेस है। तो देयर आर फाइव स्टेप्स, यहाँ पे फाइव स्टेप्स दिए हुए हैं जिनकी जो हम पढ़ेंगे, जिनकी वजह से हमें पता लगेगा उन स्टेप्स को पढ़ के कि जब हमारी बॉडी के अंदर हमारा खाना आ जाता है तो फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह बनता है और डाइजेशन कैसे होता है वो खाना। सबसे पहले स्टेप है हमारे माउथ से शुरू होता है डाइजेस्टिव प्रोसेस। सबसे पहले हम ग़िज़ा को मुंह के अंदर लेते हैं, मुंह में जाती है, उसके बाद वो हमारे स्टमक मैदे में जाती है। स्टमक मीन्स है मैदा। उसके बाद हमारी ज़बान मदद करती है हमारी फूड को मिक्स करने में, चबाने में, मिलाने में, और कुछ स्पेशल ग्लैंड्स कुछ ख़ास गुदूद हमारे मुंह के अंदर प्रोड्यूस क्या करते हैं, सलाइवा, थूक, जिसकी मदद से हमारी ग़िज़ा जो है वो नरम हो जाती है, गीली हो जाती है, और फिर हमारा डाइजेस्टन प्रोसेस शुरू होता है। डाइजेस्टन ऑफ द स्टार्चेस, डाइजेस्टन के कुछ नशास्ते होते हैं, फिर वो स्टार्ट होते हैं। और हमारी ज़बान जो है नंबर टू स्टेप में, कि हमारी ज़बान पुश करती है हमारी ग़िज़ा को इनटू थायराइड हलक तक पहुंचाने में। इट गोज इनटू अ ट्यूब कॉल्ड द ईसोफेगस, और वहाँ पे एक ट्यूब होती है जिसका नाम है ईसोफेगस, ग़िज़ा की नाली, उसको क्या कहते हैं, ग़िज़ा की नाली। और जो मसल होते हैं ईसोफेगस के, वो इसको इस छोटे छोटे टुकड़ों में हमारी ग़िज़ा को रिलैक्स कर देते हैं, ईजी कर देते हैं, ताकि वो हमारे मैदे में ईजीली चली जाए।